28 अगस्त को जनपद में आयोजित राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए पुलिस कर्मियों के ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन बाबा योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में लगाए गए पुलिस कर्मियों को उनके ड्यूटी के संबंध में जानकारी दी गई तथा ड्यूटी को पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ निभाने के भी निर्देश दिए गए। इस संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, जिससे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इस दौरान डीआईजी रेन जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा, एसपी साउथ एके सिंह सहित संबंधित अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गए थे और एक फर्स्ट राउंड उन्होंने ड्यूटीज देख ली हो। आपका ड्यूटी कार्ड मिल गया होगा, ऐसा कोई आदमी है जिन्होंने अभी तक ड्यूटी कार्ड नहीं लिया वो हाथ उठा दे। इस आपको मिल लोग हैं, प्लीज जाकर पुलिस लाइन से अपनी ड्यूटी कार्ड ले लीजिएगा। आप सभी लोगों को ड्यूटी बढ़ गई हो कार्ड रख लीजिए, जो जिस जनपद से आया है अपने थानों से आया है इनफॉर्मली भी पूछ लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी कार्ड पुलिस लाइन से भेजी जा चुकी है। जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी की कभी नहीं किया हो ऐसा अपने करियर में, सबने एक एक बार की हुई है, मुख्यमंत्री जी हो या राज्यपाल महोदया हो। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको मालूम है कि क्या होती है। भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम नागरिक होने की वजह से स्वयं ड्यूटी आएगी और उसके बाद सोनबर्चा 3:30 की ड्यूटी कितनी महत्वपूर्ण है। जो दो चार बेसिक चीजें हैं पहले मैं उसमें बता दूं आपको कि कल आपको ड्यूटी, कल आप मेहनत कर लेंगे परसों कोई इशू नहीं होगा। परसों ये कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि सर हमको ड्यूटी नहीं मालूम है। परसों स्वतः